मीनाक्षी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मेरी। बहुत वापस मैं आपके साथ आज प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज काफ़ी टाइम के बाद मुझे एक बहुत ही ग्रेट लीडर का टाइम मिला है, जहाँ पर वो हमें स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को पता है कि हमारे वेस्टिज में एश्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स आए हैं, काफ़ी लोगों को पता है, बट उसकी डीप इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। और वो कैसे इस्तेमाल होता है, क्या सही में वो जो बताते हैं कि सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, क्या वो सही में है, और क्या हमारे स्किन को सूटेबल है, क्या वो उसमें कोई रिस्क तो नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको ये लाइव डेमो प्रोडक्ट्स के दिखाने वाली हूँ, जो हमारे एश्योर के नेचुरल प्रोडक्ट्स के हैं। राइट, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, मैंने खुद भी मैं यूज इस्तेमाल कर रही हूँ, और मुझे खुद को इसका रिज़ल्ट मैंने खुद भी इस्तेमाल करके देखा है। बट आज पूरे प्रोडक्ट्स के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन लाइव डेमो के साथ दिखा रहे हैं हम। इसका डीप इन्फॉर्मेशन भी आगे हमारे चैनल पर रहेगा, हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे आपको। बट यहाँ पर फ़िलहाल मेरा जो रहेगा वो सिर्फ एक सेशन रहेगा जो डेमो का है, ताकि आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को, आपके लोगों को, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट्स, वो आपको आइडिया रहेगा। सो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, वो ग्रेट लीडर का मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। हेल्प मी वेलकम अल्पा राठौड़ ऑन अ स्क्रीन। थैंक यू। फेस पे अभी मैंने सिर्फ एक फाउंडेशन का एक ब्लेंड दिया है और लिपस्टिक अप्लाई किया है। मैं जो प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ वो मेरे पूरे फेस पे नहीं यूज होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ। सो मुझे आपको डिफरेंस दिखाना है कि ये प्रोडक्ट कितने वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपके पास मैं फेस वॉश तो नहीं कर पा रही हूँ, राइट? मैंने आपको तभी भी बोला था कि हमारे पास फेस क्लीनिंग के, बेसिक क्लीनिंग के लिए दो प्रोडक्ट है, अश्योर का फेस वॉश है, और सेकेंड ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास फेस फॉर्म, राइट? ये अगेन हमारे फेस क्लीनिंग के लिए ही यूज होता है। मैंने सिर्फ ये प्रोडक्ट को, फॉर्म जो है वो फॉर्म को थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लिया है। कैन यू सी दिस, राइट? इसी को बहुत ही स्वीट और इतनी स्मूदिंग स्मेल है ना इसकी, के लाइक आई तो जस्ट जब से टच किया है तब से ये प्रोडक्ट तो अमेजिंग रिजल्ट दे रहे हैं। आपको सिर्फ आपकी आई लाइन्स को छोड़ देना है और दो मिनट इस तरह से जॉ लाइन से कवर करके, स्क्रब करके फेस को क्लीन करना है, राइट? मेरे पास कॉटन पैड्स है, राइट? ये पूरे प्रोडक्ट को, परवीन कैन यू सी प्रॉपरली? इफ यू हैव एनीथिंग यू कैन जस्ट लेट मी नो। हाफ जो फेस है वो ऑलरेडी क्लीन कर लिया है हमारे फॉर्म से, टैपिंग द वॉटर, मैंने पूरा पानी स्किन से ले लिया है। हाँ, आई डोंट नो लाइक कितना आपको क्लीनिंग दिख रहा है, राइट? सो यहाँ पे मेरा ये साइड का फेस है, दिस मच इज क्लीन्ड विथ फॉर्म, मैंने फॉर्म से क्लीन कर लिया है, और ये साइड का फेस जो है वो स्टिल विद द मेकअप, राइट? कैन यू सी द डिफरेंस, राइट? आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, ये साइड पे मेकअप है, ये साइड पे मेकअप नहीं है। दिस इज व्हाट अ प्रोडक्ट वर्क्स फॉर, राइट? और इसी के बाद हमारे दिख रहा है, सॉरी, बहुत अच्छा डिफरेंस दिख रहा है लिटरली। थैंक यू सो मच। लेट्स सी, मुझे आपको वो फील ही देना है कि प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। और यही रेंज में हमारे पास मेकअप निकालने के लिए, राइट, एक प्रोडक्ट है जो है मेसल वाटर, राइट? जो मेकअप हम लगाते हैं वो मेकअप, आपने देखा मैंने फॉर्म लगाया फिर भी मेरे लिपस्टिक्स नहीं गए हैं। अगेन वी आर ब्लेस्ड कि हम MOM यूज करते हैं, हमारे MOM के लिपस्टिक्स और इतने सुंदर है कि दो तीन वॉश अगर आप नॉर्मल इससे करते हो ना फिर भी ये प्रोडक्ट्स निकलते नहीं है, सो लॉन्ग लास्टिंग है। और यही मैं मेकअप थोड़ा मेरा निकालने के लिए
मैंने थोड़ा सा कॉटन पे ले लिया है इसे, राइट, आई एम यूजिंग मिसल वाटर, मैं ये मिसल वाटर है वो मेरा थोड़ा सा मेकअप जो टिप्स लिप्स पे रह गया है उसे निकालने के लिए यूज कर रही हूँ, राइट. मैंने ये साइड यूज किया था, कैन यू सी, मेरे अंडर आई के नीचे भी आई अप्लाइड काजल, राइट. सो नाउ माई हाफ फेस इज विदाउट मेकअप और आधा फेस, बहुत फनी लग रहा होगा आपको लेकिन दिखाना बहुत जरूरी है कि रिजल्ट क्या है. सी द डिफरेंस, पूरा मेकअप सिर्फ दो कॉटन में, जो लिपस्टिक नॉर्मल वॉश से नहीं निकलते थे वो मिसल वाटर से निकल गए, राइट. सो यहाँ पे मैंने बेसिक क्लीनिंग कर दिया है, राइट. अभी इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो मैं यूज करने वाली हूँ स्क्रब का और मड मास्क का. रिजल्ट मैं आपको दूसरे फेस पे दिखाऊंगी क्योंकि मेरा स्किन टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन है, राइट. सी फ्रेंड्स, जब भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो तभी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है. अगर आप नेचुरल नॉर्मल स्किन हो तो हाँ, वहां तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ फेशियल फॉर्म या फेस वॉश यूज करना है और ज्यादा से ज्यादा आप केयर कर सकते हो सनस्क्रीन अपने 10 से 12 साल के बच्चों के साथ, उसे कोई प्रोडक्ट उसके बाद उनको यूज नहीं करना है. एडोलेसेंट में जाने के बाद आप यूज करवा सकते हो उनसे, स्क्रब यूज कर सकते हैं, मड मास्क अगर ऑयली पिगमेंटेशन ज्यादा है, यहाँ पे पिंपल्स के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, राइट. तो वहां पे लाइटनिंग क्रीम है, स्क्रब है, मॉइस्चराइजर है, ये वीकली दो बार यूज करना जरूरी है. अभी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा, आई एम गोना यूज ऑल दिस थिंग्स, आपको मिलने के बाद वापस मुझे ये यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि आधा ही मेरा फेस अदरवाइज बहुत फनी लगेगा. मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ चारकोल मास्क, राइट. अगेन ये चारकोल मास्क है, वो अप्लाई कैसे करना है, इसे हमें फिंगर टिप्स पे ऐसे लेना है, ये ब्लैक कलर का एकदम स्मूथ पेस्ट है, अपर ऊपर की तरफ अप्लाई करना है. मेक श्योर जब भी चारकोल आप यूज कर रहे हो पील ऑफ, आपको आपकी आईलाइन छोड़ देनी है, आईलाइन के पास इसे यूज नहीं करना है. मैंने एक सेकेंड कोट दिया है जिससे ये निकलने में इजी हो जाए. राइट. ये डिफरेंस आप 10 से 15 मिनट इसे सूखने देना पड़ेगा, तो मैं वेट कर रही हूं इसे सूखने के लिए. 10 से 15 मिनट सूखने के बाद मैं इसे पिल करके आपको दिखाऊंगी कि मेरे फेस पे क्या चेंजेस है.
आइए तब तक मिलवाती हूँ थोड़े अलग प्रोडक्ट से, एक नए टेक्सचर के साथ। अभी जो मेरे साथ आ रही है उनका जो स्किन टाइप है वो टाइप कॉम्बिनेशन है। अगेन कॉम्बिनेशन स्किन में प्रॉब्लम ये होता है कि उनका ना सिर्फ टी जोन ऑयली होता है, सी ड्राई स्किन पूरा फेस ड्राई रहेगा, ऑयली स्किन पूरे स्किन पे ऑयल रहता है, तो वो अपने लिए प्रोडक्ट इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वालों को तकलीफ क्या होती है कि उनकी स्किन कॉम्बिनेशन जोन है, यानी कि ऑयली भी है ड्राई भी है, तो प्रोडक्ट्स कौन सा यूज करें उन्हें हमेशा ध्यान रखना है। अगर कॉम्बिनेशन स्किन वालों को कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद अगर चिन पे एंड फोरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं तो आपकी स्किन टूवर्ड्स ऑयली है, आपको ऑयली कैटेगरी के प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं, राइट। कॉम्बिनेशन स्किन पे अगर आपके चिक्स लाइन बहुत ड्राई हो जाते हैं और पिंपल्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्किन टाइप टूवर्ड्स ड्राई है, जहां पे आपको ड्राई रेंज के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। आइए तो और एक प्रोडक्ट्स के साथ डेमो आपको दिखा देती हूँ, राइट। यहाँ पे यस इनकी स्किन जो है ये स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, लेकिन आई डो इफ यू कैन सी कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद, हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि चिक लाइन पे और चिक बोन पे पिंपल्स आना शुरू होते हैं, तो यहाँ पे माइल्ड ये प्रोडक्ट्स यूज करके बहुत लाइट हो चुके, लेकिन फिर भी शायद थोड़ी नजीक आओ, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू सी और नॉट, चिक लाइन पे थोड़े से पिंपल्स यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, दैट मींस कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद यहाँ पे ऑयली प्रोडक्ट्स जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे इनके लिए ऑयली प्रोडक्ट्स में मैं स्क्रब यूज कर रही हूँ और मड मास यूज कर रही हूँ, लेकिन जब भी हम बेसिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उससे पहले स्किन की बेसिक ट्रीटमेंट से शुरू करना जरूरी है, यानी कि सबसे पहले फेस वॉश और फेस क्लीनिंग से शुरू करना है। सो यहाँ पे सबसे पहले फेस वॉश कर रही हूं हमारे नेचुरल फॉर्म के साथ, यस जो हमारे पास हमारा जो नेचुरल फॉर्म है उसी से पहले मैंने थोड़ा अपने फिंगर टिप्स पे ये ले लिया है फॉर्म को, आपको इस तरह से आपके तीन फिंगर टिप्स पे लेना है, इक्वली उसे डिवाइड कर दीजिए एंड दो मिनट के लिए रब करके स्किन को सर्कुलर फॉर्म में, जैसे ही हम फेस वॉश करते हैं उसी तरह से सर्कुलर फॉर्म में यस तो यहाँ पे मैंने पहले बेसिक क्लीन कर लिया, यानी कि फेस को सिर्फ फेस फॉर्म से क्लीन किया, अपर लेयर का जितना भी डर्ट था वो सभी डर्ट इस यहाँ से निकल गया, राइट। कैन यू सी सिर्फ एक फेस फॉर्म एक टोटल क्लियरिटी दे देता है स्किन को। इसके बाद जो सेकेंड प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए वीकली ट्रीटमेंट के लिए यूज करते सी फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम फेशियल स्किन की केयर करते हैं, डेली क्लीनिंग और वीकली क्लीनिंग दो तरह की क्लीनिंग होती है। डेली क्लीनिंग में हम यूज करेंगे फेस फॉर्म या फेस वॉश, उसके बाद हमें यूज करना है सनस्क्रीन और उसके बाद यूज करना है मॉइस्चराइजर नॉर्मल बेस पे, राइट। उसके बाद जो वीकली ट्रीटमेंट और हाँ डे मॉइस्चराइजर हमने यूज किया, अगर आपके स्किन पे बहुत अनइवननेस है तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं हमारी लाइटनिंग क्रीम दिन में। रात को सोते वक्त आपको अगेन फेस फॉर्म से पूरा स्किन क्लीन करना है और आपको यूज करना है स्लीपिंग मास्क। तो
तो ये हमारे नेचुरल के बास्केट के प्रोडक्ट का डे केयर था, राइट। नेचुरल के बास्केट के वीकली क्लीनिंग की बात करूं तो एवरीडे जो क्लीनिंग करते हैं उसके साथ हमारे सेकेंड लेयर को क्लीन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है हमारा चारकोल मास्क है, स्क्रब है और मड मास्क है, राइट। तो अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ कि कैसे हम वीकली क्लीनिंग में वीक में दो बार हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वहां पे हमारे पास है मड मास्क है एंड देन वी हैव फेस स्क्रब, राइट। जैसे मैंने बताया कि फेस स्क्रब है ये पपैया बटर है, एक्सोटिक फ्रूट है, पपैया नेचर से गर्म है, इसीलिए हमारी स्किन पे जैसे ही स्क्रब होगा सेकेंड लेयर तक जाके जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो सभी इम्प्योरिटीज को ये निकाल देगा। टाइट पोर्स है, बर्फ काम क्या करता है, हमारे जितने भी टाइट पोर्स है वो टाइट पोर्स को खोलने में मदद करता है। सो राइट, जब भी हम स्क्रब करते हैं तो हमारे स्क्रबिंग का रीजन ही ये होता है कि हमारे पोर्स सब खुल जाए और खुले हुए पोर्स से डर्ट निकल जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इनका एक जो है मैंने बर्फ का एक छोटा सा कटिंग ये दिया है कि जिससे पोर्स जो है वो पोर्स सब अच्छे से ओपन हो जाए। इसके बाद फिंगर टिप्स पे थोड़ा सा स्क्रब लिया है, अब देखेंगे इसके अंदर ब्लैक कलर के दाने दाने है, राइट। तो ये एक्सट्रैक्ट के साथ पपैया पल्प के साथ एक्सट्रैक्ट के साथ अवेलेबल है, सीड एक्सट्रैक्ट के साथ। मैंने पूरे फेस पे एक कोट लेयर दे दिया है इसका, करेक्ट। मैं नेकलाइन यहाँ पे कवर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड, लेकिन जब भी आप करेंगे तो आपको नेकलाइन को भी कवर करना है क्योंकि हमारी फेशियल स्किन ही एक कॉम्प्लीमेंट देती है हमारे नेकलाइंस को भी। बहुत बार ऐसा होता है जो हम मेकअप करते हैं और एप्लीकेशंस करते हैं ना तो हम फेस पे ही करते हैं और नेकलाइंस को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा डिफरेंस दिखता है, वो नहीं दिखे इसीलिए जो केयर हम फेशियल स्किन की करेंगे उतनी ही केयर हमें अपने नेकलाइन स्किन की भी करनी है, राइट। पोर्स सब ओपन हो गए हैं बिकॉज मैंने एक कोट बर्फ का दे दिया है यहाँ पे। और इसके बाद अगेन सर्क्यूलर फॉर्म में आप हो सके तो आपकी यही दो फिंगर्स को यूज कीजिए, दो या तीन, क्योंकि यहाँ पे हम प्रेशर दे ही नहीं पाते हैं कभी भी प्रोडक्ट को घिस घिस के। नॉर्मली हमें आदत होती है ना, जो भी चीज हाथ में आ गई तो बहुत अच्छे से यूज करते, इसको बहुत अच्छे से यूज करने की जरूरत नहीं, हल्के हाथों से यूज करनी है जिसकी वजह से हमारी स्किन स्क्रैच नहीं हो, राइट। तो मैं हल्के हाथों से, और इसीलिए दो या तीन फिंगर का ही यूज कीजिए जहां से ज्यादा आप प्रेशर नहीं दे पाए। हमारा स्क्रब ऑयली स्किन वालों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और उसमें भी अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो पपैया स्क्रब इज द बेस्ट फॉर देम, इंस्टेंट ग्लो दे देगा, स्किन का टोन पूरा चेंज कर देगा। जब भी आप इसको स्क्रब करेंगे तो आप फील कर पाएंगे नेचुरल एक्सट्रैक्ट बीड्स है इसमें, जो बीड्स है वो ऊपर की स्किन के जो भी ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, डेड सेल है, ये सभी डेड सेल को निकालने का काम करते हैं। सो सर्क्यूलर फॉर्म में अपर डायरेक्शन में जब भी आपका हाथ रोटेट हो तो मेक श्योर कि वो अपर डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए, आपको आपके आईलाइंस छोड़ देने हैं। दो मिनट हो गया, मैं अगेन इसे वाइप आउट कर रही हूँ कॉटन से।
जब भी वाइप आउट कर रहे हैं तो डायरेक्शन शुड बी डाउन, राइट। जब प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन अपवर्ड रहेगा, लेकिन वाइप आउट करते वक्त हमेशा डाउन फॉर्म में जाके हमें प्रोडक्ट को वाइप आउट करना है, जिससे ओपन पोर्स में जो प्रोडक्ट गया है वो प्रोडक्ट भी अच्छी तरह से स्किन छोड़ दे या स्किन से निकल जाए। So, यहाँ पे हमने स्क्रबिंग करके जो भी डेड स्किन थी, राइट, या व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स थे, वो सभी निकाल दिए हैं। हाउ यू फील, कैसा लग रहा है? वेरी नाइस, राइट। आई एम आस्किंग हर बिकॉज सी हम देख रहे हैं लेकिन वो फील कर रही है, राइट। कैन यू सी, मैं हो सके उतना कैमरा नजदीक ला रही हूँ, कैन यू सी थोड़ा आगे, हाँ दिख रहा है आपको डिफरेंस? 5 मिनट पहले जो स्किन थी और अभी जो स्किन का ग्लो है वो पूरा चेंज हो गया है। सिर्फ फॉर्म और स्क्रब ही यूज हुआ है, बाकी यहाँ पे अभी तक मैंने कुछ यूज नहीं किया है। अभी इनका जो स्किन टोन है वो स्किन टोन ऑयली है, राइट। तो ये ऑयली स्किन टोन है, अभी मैंने स्क्रब तो लगा दिया लेकिन पोर्स सभी खोल दिए, राइट। मैंने बर्फ घिसा था, पोर्स को लाइट किया, स्क्रब करके पोर्स को खोल के क्लीन कर दिया। अभी इनको टाइट करना तो जरूरी है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो और भी इसमें डर्ट जाएगा और स्किन खराब हो जाएगी। सो इसीलिए पोर्स को वापस टाइटनिंग की जरूरत है। अभी ये टाइटनिंग का काम कौन करेगा? जब भी आप स्क्रबिंग करते हो तो स्क्रबिंग के बाद टाइटनिंग के लिए आपको यूज करना है हमारा मड मास्क, राइट। मड मास्क, हम सब ने मुल्तानी मट्टी के बारे में सुना है, एलिगेंट फ्रेग्रेंस ऑफ मुल्तानी मट्टी, बहुत ही स्वीट और सुंदर कूलिंग स्मूथिंग फ्रेग्रेंस के साथ ये मड मास्क अवेलेबल है। अगेन मड मास्क को यूज कैसे करेंगे? फिंगर टिप्स पे हर एक के फेस के हिसाब से आपको इसे लेना है, राइट। दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड इसे डाउनवर्ड अप्लाई करना है, राइट। हमने स्क्रब अप्लाई किया था अपवर्ड, हम मास्क अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड, क्योंकि हमें पोर्स को टाइटनिंग करना है। मेक श्योर आपके स्किन केयर के प्रोडक्ट हमेशा आपकी आई लाइन और लिप लाइन को छोड़ के ही यूज करने हैं। इसकी स्मेल इतनी सुंदर है ना, रियली वो फ्रूट्स एक्सट्रैक्ट, पैशन फ्रूट और वो जो हमारे बटर वाले हैं, तो फील होता है कि खाई जाए, आइसक्रीम जैसे खाते उतने सुंदर ये फीलिंग्स है ये प्रोडक्ट्स के साथ। सो डाउन डायरेक्शन में अगेन मड मास्क को हमें यूज करना है अपने पोर्स को टाइट करने के लिए। आप यूज कर रहे हो तो नेक लाइन पे भी यूज कर लीजिए, राइट। सी, दिस इज व्हाट, एक प्रॉपर कोट देना है हमें, जिससे हमारे पूरे जो ओपन पोर्स है वो एक बार टाइट हो जाए,
एजिंग के हिसाब से 35 प्लस हम इसे यूज करते हैं तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी भी मेंटेन होगी, स्किन पे ग्लो भी आ जाएगा और एक्स्ट्रा डॉट और टॉक्सिक है वो भी निकल जाएंगे। एट द सेम टाइम स्किन टाइटनिंग का काम और रिजनिंग का काम भी ये करता है। ड्राई हो चुका है एंड कैन यू सी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आराम से जो वो हमारा पतला प्लास्टिक का बैग है ना वो प्लास्टिक के बैग की तरह ये पतले लेयर से निकल रहा है स्किन से। तो इसे हमें अपर जोन में निकालना है। स्किन से निकल जाता है, ये अभी ड्राई नहीं हुआ है, उतना नहीं निकल रहा है, एक दो मिनट में ड्राई हो जाएगा ये। वेट अ मिनट, मुझे आईना चाहिए ये निकालने के लिए, मैं दो मिनट निकाल के आती हूँ। फ्रेंड्स कितना अच्छा, मतलब अभी दो मिनट हो गए तो मैं तब तक बात करती हूँ। काफी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए कि ऑयली स्किन है तो क्या करना था, राइट? तो आपको आई एम श्योर सबको पता चल गया होगा कि ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए एश्योर नेचुरल क्या हमें हेल्प करने वाला है। तो इतनी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट और उसमें जो प्रोडक्ट यूज करा है, मतलब क्या 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 यूज किया हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन अल्पा जी ने इतनी अच्छे से बताई है और हमारे सामने लाइव डेमो है सब चीज के, मर्ड मास्क के, चारकोल फॉर्म के, बहुत सारे अलग अलग डेमोज दिखाए उन्होंने। अभी किसी को डाउट नहीं रहेगा आई एम श्योर कि लोग कल से ही जिन्होंने नहीं यूज किया वो स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी स्किन नेचुरल दी है हमें भगवान ने, राइट? तो हमें उनकी केयर नेचुरल प्रोडक्ट्स से करेंगे तो और हेल्दी और अच्छी स्किन रहेगी। अभी अल्पा जी ने यहाँ पे जो आधे स्किन पे जो डेमो दिखाया, मतलब आधे फेस पे दिखाया, वो भी बहुत मतलब सुपर्ब था। हम लिटरली देख रहे थे कि आधे फेस पे उन्होंने कैसे मेकअप रिमूव किया, कैसे फॉर्म से क्लीनिंग की, सच में बहुत अच्छा। ये ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, राइट? टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो, और हमारे मिताली मैडम यूट्यूब चैनल चलाते तो वहां पे भी आपको श्योर इसका एक मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे सुपर श्योर के जो रेंज है आपने अगर नहीं यूज किया है तो हाईली रेकमेंड करूंगी अपनी स्किन की केयर के लिए, अपने हिसाब से स्किन के लिए आप लीजिए। पैशन फ्रूट मैं खुद यूज करती हूँ, मतलब मेरी बेटी भी यूज करती है, मुझे पता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और बाकी के ये सब जो प्रोडक्ट्स अभी यूज हुए काफी यहाँ पे लेडीज बैठी है यूज करती है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। अभी आप देखिए मर्ड मास्क भी लगाया है, मतलब कितना, और खुशबू तो सच में जैसे अल्पा जी ने बताया ना कि खाने को मन होता है ऐसी खुशबू है। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट आप खोलोगे ना तो लगेगा कि मैं खा जाऊंगा, इतने अच्छे फ्रूट्स की अच्छी नेचुरल खुशबू आ रही है, राइट? तो अभी अल्पा जी आएंगे और अभी आप देख पाओगे कि आधा फेस उन्होंने अच्छे से चेक किया, मतलब पूरा करके दिखाया आधे फेस पे, तो लिटरली हमें ये प्रेजेंटेशन से पता चल जाएगा। नो डाउट हो गए हैं, बैक ऑन स्क्रीन अल्पा जी। यस, कैन यू सी फ्रेंड्स, सी ये जो मेरा पार्ट है ये पूरा मैंने अभी मास्क लगा के मैंने क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे जो लाइन अभी ड्राई नहीं हुआ है, तो ये जो पोर्शन ड्राई नहीं हुआ है वो नहीं निकला है, बाकी का एकदम आराम से निकल गया। तो दिस इज व्हाट द ग्लो वी गेट आफ्टर मास्क, राइट? अब मेरा पूरा फेस देखिए अभी, कैन यू सी द ग्लो? ये साइड पे जो क्लीन मैंने नहीं किया था वो फेस, और यहाँ पे जहां पे अप्लाई किया है उनके टोनिंग में एकदम फर्क है। दिस इज वॉट द प्रोडक्ट्स रिजल्ट। सो हमारे प्रोडक्ट तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करते हैं, राइट? होप यहाँ पे मड मास्क भी ड्राई नहीं, इट इज स्टिल वेट, हाँ ये थोड़ा अभी भी गीला है। एकदम ड्राई होने के बाद इसे सिर्फ हल्के पानी से साफ करना है और पूरा ही हमारा स्किन टोन चेंज होता है।
राइट, इसे 5 मिनट लगेंगे, तब तक बाकी के जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात करूं तो नेचुरल की रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वहां पे हमारे पास है हेयर मास्क। पारुलबेन आपने बात की हेयर मास्क के बारे में? नहीं नहीं मैंने प्रोडक्ट्स की बात नहीं की, वो आप ही कवर कर लीजिए। ओके फाइन, तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने जो प्रोडक्ट्स की आपसे बात की वो प्रोडक्ट थे हमारे फेशियल के प्रोडक्ट्स, राइट, जो हम फेस पे यूज करते थे। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे बालों के लिए भी टेक केयर की गई है नेचुरल्स में, वहां पे हमारी ब्रांड हमारे लिए लेके आई है नेचुरल का हेयर मास्क। हमारे पास नेचुरल्स के नेचर फॉर्म के शैम्पूज अवेलेबल है, स्पा अवेलेबल है, और उसी के साथ ये एडिशनल नेचर बास्केट में हमारे पास आया है मास्क। ये मास्क हम कंडीशनिंग जो स्मूथनिंग करवाते हैं, हेयर स्मूथनिंग करते हैं, वो स्मूथनिंग के बाद, स्मूथनिंग तो वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन यही स्मूथनिंग को मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है, जो मेंटेनेंस होता है सीरम के साथ। यस, तो दिस विल वर्क आउट एज अ सीरम, ये हमारे बालों के लिए सीरम का काम करता है। अभी इसे यूज कैसे करना है आप देखेंगे खोल के, तो ये भी एकदम स्मूथ बटर फॉर्म में है, फ्रेग्रेंस ऑसम है। हेयर बाथ के बाद हमें टॉवल ड्राई करना है, यानी कि बालों को अच्छे से साफ करने के बाद, धोने के बाद आप स्पा मत कीजिए, कंडीशनिंग मत कीजिए, सीधा ही सिर्फ हेयर वॉश लीजिए। और मेक श्योर अगर आपके बाल बहुत ही गिर रहे हैं, हेयर फॉल का प्रॉब्लम मेजर लेडीज फेस करते हैं, तो आपका हमारा जो ऑयल है वो ऑयल के अंदर आप एलोवेरा, स्पिरुलिना और अगर डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो नीम ऐड कीजिए, और ट्वाइस अ वीक हमें उसे मसाज करके ही हेयर वॉश करना है, कभी भी ड्राई हेयर वॉश नहीं करने है। मेजर ऑफ द टाइम लेडीज को बहुत कंटाला आता है, ऑयलिंग नहीं करते हैं और हेयर वॉश का टाइम हो गया है तो हेयर वॉश कर देते। ये जो चीजें है वो हमारा स्काल्प ना नेचुरली ऑयल जनरेट करता है, भगवान ने हमें ये सिस्टम दी है, लेकिन जब हम ड्राई हेयर वॉश करते हैं तो ये जो नेचुरल ऑयल सिक्रीशन के हमारी जो ग्रंथियां है वो सूख जाती है, वो ड्राई हो जाती है, और उसी के वजह से प्रॉब्लम होता है हमारे स्काल्प के लिए रिलेटेड प्रॉब्लम, जहाँ पे ड्राई स्काल्प होती है, डेंड्रफ हो जाता है, बाल जड़ने लगते हैं, रूट्स वीक हो जाते हैं। ये जो रीजन है, जो एक्सटर्नल रीजन है, उनमें ये भी पार्ट, ये भी काम करता है, राइट। तो वहां पे हमेशा ध्यान रखिए कि हेयर वॉश से पहले ऑयलिंग करना जरूरी है, विदाउट ऑयल हेयर वॉश कभी मत कीजिए, दैट विल मेक योर स्काल्प टेंडर, हमारे स्काल्प को टेंडर रखने का काम करते हैं। तो जब भी आप हेयर बाथ लेते हैं उसके बाद टॉवल ड्राई कीजिए, बालों को सिर्फ टॉवल से ड्राई कर दीजिए, उसके बाद बालों के सेक्शन ले लीजिए, राइट, बाहर आके पार्टीशन ले लीजिए, टिप से लेके रूट, यानी सॉरी रूट से लेके टिप, पूरे बालों में हमें हमारा जो ये हेयर मास्क है, ये हेयर मास्क हमारे फिंगर्स पे लेना है और इसे पूरा ऊपर से लेके नीचे, अगर आपके बाल है तो उसे सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, और सेक्शन में डिवाइड करने के बाद तो टिप से लेके रूट तक इस तरह से अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे इस तरह से, इसे एक वाइब्रेशन मिलेगा, राइट, जो सीरम से मिलता है, एक स्मूदनिंग इफेक्ट मिलती है, तो ये काम ये हमारा हेयर मास्क करेगा। इसे 15-20 मिनट रूट से लेके टिप तक लगा के पूरे बालों को अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए, और ये इतना फ्लेक्सिबल है और इतना स्प्रेडेबल है ना कि आप थोड़ा सा आधा स्पून भी ये प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पूरे बालों को इनफ है, मतलब बहुत ही स्प्रेड हो जाता है, तो भर भर के यूज करने की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा लीजिए और इसे अप्लाई करते जाइए। जैसे ही इसे 15-20 मिनट बालों में छोड़ दीजिए, छोड़ने के बाद जैसे ही 20 मिनट हो जाता है, सादे पानी से वापस हेयर वॉश कर लीजिए, राइट, तो वो मास्क को हमें निकाल देना है। इससे क्या होगा, जब आपके बाल ड्राई होंगे, और हो सके तो इसे नेचुरल फॉर्म में ड्राई होने दीजिए, आप ड्राई होने के लिए ड्रायर का यूज नहीं कीजिए। ड्रायर नॉर्मली लेडीज को हमें आदत होती है, बहुत घाई होती है, सीधा ड्रायर लेके धड़ 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 कर देते हैं, राइट, लेकिन इसे नेचुरल फॉर्म में ही ड्राई करने दीजिए, जिसकी वजह से इसका शाइन और टेक्सचर है वो एज इट इज रहेगा। तो ये जो हेयर मास्क है, अगेन बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो हमारे बालों को स्मूदनिंग का और शाइनिंग का टेक्सचर देता है। और इसी के साथ हमारे यही प्रोडक्ट रेंज में हमारी ब्रांड ने लॉन्च किया है मल्टी फंक्शन ऑयल, राइट, और मिसल वाटर के बारे में तो मैंने बता दिया, ये एक और प्रोडक्ट है,
ये है मल्टीपर्पस ऑयल, ये पूरी बॉडी पे यूज कर सकते हैं, जैसे हम मसाज ऑयल यूज करते हैं राइट। तो ये एक्सट्रैक्ट है 7 टाइप्स के डिफरेंट ऑयल का, जहाँ मेन बेस ऑयल कोकोनट है जो बहुत ही मॉइस्चर रिच है। कोकोनट ऐसे भी हमारे स्किन के लिए अच्छा है राइट। तो स्किन को एक इवननेस लस्टर देने के लिए जो हम ऑयल मसाज करवाते हैं, तो वही ऑयल मसाज के लिए ये 7 टाइप्स के डिफरेंट ऑयल का मिक्सचर है, बहुत ही बेनिफिशियल है। स्किन को एक लस्टर दे देगा, स्किन को मॉइस्चर करेगा और मसाज करके स्किन को स्मूथ करने का काम भी करते हैं। आप पूरी बॉडी पे इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पस ऑयल भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये था हमारे नेचर के प्रोडक्ट और हमारे नेचुरल के बास्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में, जहाँ पे हमारे पास है मसाज ऑयल, जहाँ पे हमारे पास है हेयर मास्क और उसी के बाद हमारे पास है फेशियल केयर के सभी प्रोडक्ट्स राइट। होप सो मीन टाइम यहाँ पे ये ड्राई हो गया होगा। यस इट्स गोना बी ड्राई। वॉश करिए इस, आप वॉश कर लीजिए। होप जो भी प्रोडक्ट्स के इंफॉर्मेशन मैंने आज आपसे शेयर की, बहुत सारी चीजें हम कवर कर पाए होंगे राइट। पारुलबेन बैक टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच अल्पा जी, रियली आपने बहुत ऑसम आज प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि काफी लोगों को माइंड में था कि ये कैसे होंगे, मैं क्या लू, इतना इम्यूनिटी करके लोग सप्लीमेंट ही ले रहे थे मगर कहीं ना कहीं स्किन के ये प्रोडक्ट को अवॉइड कर रहे थे, बास्केट में डाल नहीं रहे थे। तो आज उनका क्लियर विजन हो गया और आपने तो मस्त डेमो दिखा दिया। देखो आज स्क्रीन पे आप देखिए, हाफ फेस पे भी दिखाना स्क्रीन के सामने, मतलब चैलेंजिंग है और इन्होंने ये करके दिखा दिया। और आज हम मतलब आंखों से देखेंगे तो हमेशा वो बिलीव तो रहने वाला है राइट। तो जिन्होंने भी ये प्रोडक्ट नहीं लिया है ना, आप कल फटाफट लेके अपनी स्किन के लिए, अपने ऐसा नहीं कि लेडीज के लिए है, हाँ ये लेडीज के लिए ही नहीं, स्किन जिनके भी पास है ना सबके लिए राइट। हमने ये यहाँ पे अश्योर डाला है अभी ये टाइम पे वुमेन्स में, मगर आपके घर में जो मेल कैंडिडेट है घर पे, जो भी आपके हस्बैंड है, भाई है, फादर, उनको भी आप ये सेम प्रोडक्ट्स गिफ्ट करिए, उनको भी यूज करने के लिए बोलिए। और जैसे अभी उन्होंने अपनी अल्पा जी ने अपनी बेटी पे ये यूज किया, आप देख सकते हो, तो सबके लिए प्रोडक्ट्स हैं। और उन्होंने केयर के लिए भी बताया कि डेली केयर क्या करना है, वीकली केयर कैसे करनी है। तो आज हमने स्किन के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज लिया है और अभी आप देखेंगे वो फेस क्लीन करके हमारे सामने जब मड मास्क का भी रिजल्ट आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि यंग एज, मतलब उनकी बेटी आई थिंक टीन एज में है और उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो आप सबके लिए ये प्रोडक्ट दे सकते हो, आप गिफ्ट भी कर सकते हो, सच में बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स है ये। हम जितना भी बोलेंगे ना उतना कम लगेगा, जब तक आप खुद लाके हाथ पे फील नहीं करोगे, स्मेल नहीं करोगे, तब तक आपको इनकी अहमियत नहीं पता चलेगी। ये हमें भी ऐसा ही लगता था मगर जैसे जैसे हर मंथ बास्केट में तीन चार प्रोडक्ट्स डालते गए और यूज करते गए तो मन होता था कि खा जाए, सच में ऐसे प्रोडक्ट्स है। तो थैंक यू वेरी मच अल्पा जी। अभी आपकी बेटी दिखा पाएगी फेस का, आपकी आवाज नहीं अल्पा जी, आपका म्यूट है। ओके वन मिनट, ओके आ रही है। यस सुपर, यस कैन यू सी फ्रेंड, पूरा फेस का टोन चेंज हो गया है। और बिलीव मी ये प्रोडक्ट मेरे घर में आके कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एक ही हफ्ता हुआ है और एक हफ्ते में ही मेरी बेटी का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट था उस पर बहुत कंट्रोल, सिर्फ 2 बार यूज किया है और आज आपके सामने ये 3rd टाइम ये प्रोडक्ट उसने यूज किए है राइट। तो जो ये आप देख पा रहे हो उसके पूरे पिंपल जो थे वो एकदम लाइट, शायद आपको तो स्क्रीन पे, मुझे यहाँ पे मेरे सामने है तो थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे उसके चिक बोन पे थोड़े पिंपल्स थे वो एकदम लाइट हो गए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा दिख रहा होगा राइट। तो बहुत ही सिर्फ 2 ही बार यूज हुआ है, दिस इज द 3rd टाइम और पूरे स्किन का टेक्सचर चेंज हो गया है। सो रिजल्ट प्रोडक्ट के बहुत ही अमेजिंग है। यस बैक टू यू पारुलबेन, थैंक यू सो मच।
थैंक यू किन्नरी, किन्नरी ने बहुत अच्छा आज एज अ टेस्टिमोनियल यहाँ पे बैठी, टाइम दिया, थैंक यू फॉर दैट किन्नरी। और अल्पा जी रियली आपने बहुत अच्छा दिखा दिया आज इतना स्किन के लिए। अभी पिंपल्स भी बहुत टीनेज में प्रॉब्लम होती है, आई एम श्योर आज यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी अपने बच्चों के लिए वो बर्ड मास्क तो यूज करेंगे ही करेंगे, राइट? और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, और थैंक यू वेरी मच अगेन। और जितने भी यहाँ पे आप बैठे हो, कनेक्ट करिए हर फ्राइडे को 3 बजे, हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपको यहाँ मिलेंगे, राइट? यहाँ पे हम हमारा आज का प्रेजेंटेशन फिनिश करते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।